आइए तो चलते हैं अपने मेहमान की तरफ असलान साहब यू फर्स्ट अरसलान साहब एक अरसलान जावेद को दुनिया जानती है और एक अरसलान जावेद को हम जानना चाहते हैं हमें प्लीज बताइए अपने बारे में फिजा, अपने बारे में क्या एक्चुअली एक इंसान दो चीजों से पहचाना जाता है एक अपने इर्ग की कंपनी से और दूसरा अपने काम से तो मेरा जो काम है वो तो आप जैसे आपने बताया अभी इंट्रोडक्शन में कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करना है और बेसिक एम यही है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं साउथ पंजाब के स्पेशली वो जॉब सीकिंग को छोड़ के थोड़ा सा अपने इंडिविजुअलिटी पे आएँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओन करें और ख़ुद के बिजनेसेस इनिशिएट करें उससे यही नहीं कि हम सिर्फ उन्हीं को बेहतरी नहीं मिलेगी बल्कि ओवरऑल इस मुल्क को भी बेहतरी मिलेगी जहाँ तक ताल्लुक़ है मैं कौन हूँ तो मैं तो अल्लाह का एक बंदा हूँ आई नेवर थिंक ऑफ माई सेल्फ एज एनी बडी और वैसे भी अभी बहुत लंबा सफ़र बाकी है अभी तो वो शुरुआत है एक समझ लीजिए तो दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ वक्त के साथ साथ हम जहाँ पहुँचेंगे वो अल्लाह पाक डिटरमिन करेगा आई ऑल माई सेल्फ एज ए परसन यू नो वो स्टेटस को मैं नहीं फंसता मैं चाहता हूँ बट आई बिलीव के हमारे पास एक स्ट्रिक्ट uh, नहीं होना चाहिए हमें कहीं स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज में फंसे नहीं रहना चाहिए वी शुड बी फ्री इसीलिए आपने इतना सब कुछ कर लिया एक्सपेरिमेंटेशन इज़ द की क्योंकि कभी एक चीज़ पसंद थी मैं हमेशा एक चीज़ को फॉलो करता हूँ वो ये है कि आई फॉलो वेयर माई हार्ट टेक्स मी कि मैं अगर चाह रहा हूँ कि ट्रेवल करना है तो कुछ भी है आई ट्रैवल अगर मुझे पता है कि मैंने ये काम करना है तो मुझे उसमें फ़ायदा फाइनेंशली ज़्यादा हो रहा है नहीं हो रहा समथिंग आई सेट माई माइंड के जी मुझे ये चीज़ करनी है तो मैं उसको ज़रूर करता हूँ तो आई ऑलवेज़ कंसिडर माई सेल्फ

फिजा एक्चुअली अंटरप्रनोरशिप मेरा आ, एक ऐसा सेगमेंट है जो मैं समझता हूँ जब मैं बहुत छोटा था तभी से इवन इन सिक्स स्टैंडर्ड तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के बिजनेस प्लान बनाता था, था, कि यार हम बड़े होके मिलकर ये प्लान करेंगे मिलकर कर ये, ये कैंटीन वाला कितना कमा ले <laughs> <है? laughs> <laughs> कैंटीन वाले से लेकर हमने बड़े बड़े बिजनेस तक सोचा तो हमारी एक मतलब मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है तलह हम दोनों मतलब चीज़ें बचपन से ही बिजनेस प्लानिंग में लगे रहते होते थे तो जब बड़े हुए तो आ, सबसे पहली चीज़ जो थी वो ये थी कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मेरे दो रोल मॉडल्स रहे मेरी फैमिली में मेरे फादर मेरे सबसे बुनियादी रोल मॉडल क्योंकि उन्हीं से मैंने जो कुछ हूँ मैं उन्हीं से सीख के बना हूँ तो मेरे फादर जो हैं इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर तो इनफैक्ट इज़ अ प्रोफेसर तो जब मैंने उनकी लाइफ देखी तो मैंने देखा कि ही इंस्पायर्स पीपल लेकिन जो मेरा ननयाल है वो बिजनेस फैमिली है तो मैंने जब अपने ननयाल में अपने मामों को देखा अपने खालों को देखा तो उनको दे वर डूइंग बिजनेस तो आई हैड इट इन माय माइंड कि मैंने इन दोनों राहों को बराबर लेके चलना है तो बिज़नेस भी साथ साथ ही शुरू किया और बिज़नेस किस चीज़ का स्टार्टेड माय uh, बिज़नेस सबसे पहले हमने कंप्यूटर्स का बिज़नेस शुरू किया कंप्यूटर्स के बिज़नेस के बाद वक्त के साथ मैंने फ़ैशन uh, डिज़ाइनिंग सीखी और मैंने एक छोटा सा बोतीक बनाया वो बुटीक बनाने के बाद फिर uh, वो थोड़ा सा बुटीक चलाया फिर उसके बाद uh, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं था तो फिर मैंने एक इदारे में uh, जहाँ पर मैं फिर आर जे बना आर जे बना तो वहाँ अपना शो डिज़ाइन करना था अपना शो बना के पेश किया उसके बाद फिर मैं एक इदारे में लैंग्वेजेस पढ़ाना शुरू हुआ और लैंग्वेजेस पढ़ाते पढ़ाते मैंने उस इधारे को ओन कर लिया oh, और वो ओन कर लिया तो उसके बाद मेरा जो काम था मेरा जो पैशन था इट बिकेम माई बिजनेस और उसके बाद फिर स्ट्रिंग ऑफ इवेंट्स चलते रहे लेकिन आ, समझ लीजिए कि माइंड चेंज कहाँ बना वो बना के जब आई वॉज़ लुकिंग फॉर जॉब्स और जॉब जो थी वो मुझे अपनी पसंद की नहीं मिल रही पसंद जो होती है ना वो होती है कि मैं अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहता हूँ सम पीपल फाइंड पैसे एज अ सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन और सम पीपल फाइंड हाउर हाउ लिबरल यू आर आपकी लिबर्टी कितनी है आपको कितनी आज़ादी मिलती है तो मैं अपनी जॉब में आज़ादी ढूंढ रहा था और वो नहीं मिलती तो मैंने क्या किया मैंने एक मूवी uh, थी उसमें कहावत सुनी थी इफ़ देर इज़ नो जॉब देन क्रिएट अ जॉब तो मैंने वो जॉब अपने लिए क्रिएट की कैसे कि मैंने उस इंस्टीट्यूट को जहाँ मैं तो, uh, चंद घंटों के लिए जाता था मैंने उसी को ओन कर लिया और वहीं से अपने पैशन का आगाज़ किया तो उसके साथ साथ कंकरेंटली फिर साइड बिजनेसेस भी डेवलप करता चला गया और फिर लगा कि यार अगर मैं एक बंदा नौकरी करता हूँ तो मैं सिर्फ दो या तीन लोगों का पेट भर सकता हूँ लेकिन अगर मैं बिज़नेस शुरू करता हूँ तो मेरे इदारे में दस पंद्रह बीस एम्प्लॉज़ हैं मैं दस पंद्रह बीस फैमिलीज़ को मेरी वजह से एक रिस्क का ज़रिया बनता है तो दिस इंस्पायर्ड मी तो मैंने इसको अपने ऊपर भी अप्लाई किया और ऐसा नहीं कि मैं शुरू से ही एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेनर बन गया मैंने पहले इस चीज़ को ख़ुद अप्लाई किया एक्सपेरिमेंट किया फिर उसके बाद लोगों को बताना शुरू किया कि इस तरह से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और इस तरह से इनको ग्रोथ दिलवा सकते हो दैट इज़ कोई अच्छा बिजनेस माइंड का बंदा मेरे ख्याल से किसी किसी के आगे आके झुक नहीं सकता काम नहीं कर सकता लाइक like, हम वो जॉब्स नहीं कर सकते जिसमें आपको कोई डिक्टेट करे कॉन्टिनसली तो आई एम ग्लैड कि आपको अपनी फील्ड मिल गई जिसमें आपने आगे एक्सेल किया काफ़ी अच्छा फिजा यहाँ पर एक बात और भी है कि आ, ऐसा नहीं कि मैं जॉब्स को बुरा कहता हूँ मैं खुद जॉब भी करता हूँ बिजनेस भी कर रहा हूँ तो जॉब जो है वो क्या सिखाता है वो डिसिप्लिन सिखाता है देखो जिंदगी में एक कहावत है कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड लीडर यू हैव टू स्टार्ट बाय बिकमिंग अ गुड फॉलोअर एक अच्छा लीडर वही शख्स होता है जो एक अच्छा फॉलोअर भी होता है तो जॉब जो है वो हमें डिसिप्लिन देती है और हमें सिखाती है कि फॉलो कैसे करके आप लीडर बन सकते हैं तो मैंने जब अपनी लाइफ में अपना बिज़नेस शुरू किया था मेरा जॉब का ज़ीरो एक्सपीरियंस था तो मैं सोचता हूँ कि अब जॉब का और बिज़नेस दोनों का एक्सपीरियंस लेके मैं सोचता हूँ कि जो चीज़ें मुझे मेरी जॉब ने सिखाई वो चीज़ें मैं बिज़नेस करते करते शायद सीखता सही लेकिन अपने एक्सपेंस पे अभी जॉब इज़ टीचिंग मी मैनी थिंग्स ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर्स तो इसलिए द बेस्ट स्ट्रैटी इज अकॉर्डिंग टू मी टू इनिशियली स्टार्ट विद अ जॉब एंड स्टार्ट विद अ स्मॉलर बिजनेस जब आपका बिजनेस इस कदर ग्रो कर जाए कि आपको अपने एग्जिट पॉइंट का पता हो कि अब मुझे अपनी जॉब खत्म करके प्योरली हंड्रेड परसेंट इस बिजनेस की तरफ ध्यान देना है तो यू कैन गो ठीक है तो दिस इज वन स्ट्रेटजी मेरे पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी साहब सुना आपको सिंगिंग का बहुत शौक है और आप बहुत अच्छा गाते भी हैं <laughs> तो प्लीज़ हमें कुछ गा के सुनाइए वैसा <laughs> गाने में मुझे इतराज नहीं लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि वन आई वॉज अ कैट तो मेरी मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक छोटा सा कीबोर्ड गिफ्ट दिया तो कैसी थर्टी फाइव उस था तो आई यूज टू प्ले कीबोर्ड और अदनान सिबी खानवाज़ में इंस्पिरेशन तो हुआ ये कि जब वो सुबह सुबह अ खुदा अ खुदा वो हम पढ़ते होते थे तो आई यूश भी वेरी इंस्पायर्ड यार क्या आवाज़ है क्या म्यूज़िक है तो जब मैं अपना कीबोर्ड प्ले करता था, था तो मैं उस पर ज़्यादातर वो आए खुदा अ खुदा की ही टोन प्ले करता था फिर उसके बाद अब जहाँ जाता हूँ वहाँ पर यह होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जैसे ट्रेवल किया तो वहाँ की लैंग्वेजेस सीखी और लैंग्वेजेस में सबसे पहले मैं ये एक मैं तो मैंने कोई सॉन्ग ज़रूर उनकी लैंग्वेज का सीख लेता हूँ तो, तो हमें किसी और लैंग्वेज में आप आज सॉन्ग सुनाइए मैं आपको आज किसी और लैंग्वेज में मैं आपको उर्दू में ही सुना सकता हूँ या बहुत सारी वैसे तो आई कैन सिंग इन टर्किश और स्पेनिश oh, चाइनीज right. uh, तो आई कैन डू इट राइट नाउ बट मैं चाहूँगा कि मैं जो आपके प्रोग्राम को लोग देख रहे हैं उनको समझ भी आए तो एक सॉन्ग uh, uh, जैसे कि आपने मुझसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी तो वो दैट इज सेनोरिता तो दैट इज अ कम्बिनेशन ऑफ स्पेनिश एंड उर्दू सो प्लीज कन्या रेतु दोंतिया इत्ता हिरे मोवी दो सियालो तर रैनो एन कंट्रे येगा होय तां दे रेपेंटे एदा सेंटियो तो दामी विदा तू करे न मैं समझा ना मैं जाना जो भी मैंने खुद से कहा है सनियो मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे गा के अच्छा लगा है सनियो रिता नो वेरा दसर का वे मी मुझको बाहु में तुम घेरो समझी ना सैन्यो चाहत के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या दो पल को तो आओ खो जाए भूले हम होता कम है क्या सनियो सुनो सुनो सनिय कहते हैं हम क्या कमा पौधरे एंसर प्रतार मसा संत कंती बला क्यों में दिकार लोर क्या लोर दे तुम्हें मसंतियों को मो बला सनियो

आई बिन टू टर्की बिन टू मतलब एज ए ट्रैवल पर्पज़ के लिए तो टर्की में मैंने काफ़ी जगह घूमे फिरे वैसे तो अलहमद्ला आई बिन टू मैनी कंट्रीज लेकिन ये समझ लीजिए कि जब भी मैं अपने मुल्क को देखता हूँ पाकिस्तान को तो मुझे लगता है कि हमें शायद बाहर जाने की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं क्योंकि हमारा अपना मुल्क इतना खूबसूरत है आप बिलीव करें मैं टर्की रह के आया टर्की में अतः यूनिवर्सिटी में मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया तो वहाँ उन्होंने मुझे तकरीबन ट्वेंटी सिक्स डिफरेंट सिटीज़ हमने विज़िट की उस प्रोग्राम में लेकिन जब मैं वापस पाकिस्तान आया तो मैं सबसे पहले मरी नथिया लिए हो आया <laughs> मैंने कहा मैं मरी के लिए होए बगैर अपने घर वापस नहीं जाऊंगा बिकॉज आई बिलीव दैट आवर कंट्री इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन दी एंड मैं अभी भी मैंने बाइक्स पे भी ट्रेवल किया मैं खंजराब पास तक मोटर बाइक पर गया एंड आई लव दैट मतलब वो जो एक एक्सपीरियंस है कराक्रम हाईवे पर मोटरबाइक चलाने का वो मैं कहता हूँ दुनिया की कोई चीज़ मेरे लिए उसका अल्टरनेटिव हो ही नहीं सकती है डैट वॉज अमेजिंग सो दैट स्पाइस ऑफ माई लाइफ फॉर मी अरसलान साहब आप कॉरपोरेट सेशंस भी करते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देते हैं तो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए ट्रेनिंग्स ट्रेनिंग हैं अच्छा फिजा दिस इज़ अ वंडरफुल एंड वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले तो हम जब ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेट्स में जाते हैं तो वहाँ पर मुझे ख़ास तौर पर साउथ पंजाब में एक बात सुनने को मिलती है जी हमें तो सब आता है एक्चुअली जब ये कोई इदारा ये समझना शुरू कर देता है हमें सब आता है तो इवेंचुअली क्या होता है कि वहाँ पर उनकी ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस और जो ट्रेनर्स हैं वो उनका एक ही काम होता है कि वो सारा वक्त पढ़ते रहते हैं न्यू रिसर्च को आइडेंटिफाई करते रहते हैं न्यू ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं और जब हम कंपनीज़ में जाते हैं तो हमारा एक ही एम होता है कि वो जो कंपनी है उसकी ग्रोथ उसकी बिज़नेस डेवलपमेंट हो अच्छा अब बात ये है कि जब हम कॉरपोरेट्स में जाते हैं तो वहाँ पर आ, सबसे पहला काम जो हमारी आ, मतलब मैं करता हूँ वो ये है के हमें कंपनी में गए वहाँ पर जाके हम उनकी ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करते हैं कि ट्रेनिंग जो है उसकी ज़रूरत कहाँ पर है कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो कमज़ोर है उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है फिर उसके बाद हम पर्सपेक्टिव उनको देते हैं कि हम आपको ये 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 सेगमेंट्स के अंदर ट्रेनिंग कर सक करवा सकते हैं जिसके बाद आपकी जो कंपनी है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है उसके बाद जब उनमें से उनके टीम में से कोई भी हमें रिस्पॉन्ड करता है कि दिस इज़ द टॉपिक वट वी वॉन्ट टू अचीव तो वहाँ पर उस सेगमेंट पे हम पूछते हैं कि आपकी आउटकम्स क्या चाहते हैं क्या चीज़ चाहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज से आपके आपको मिलें उसके बाद ये होता है कि वी विजिट दैट कंपनी और वहाँ पर जा ट्रेनिंग सेशन देते हैं ट्रेनिंग सेशन एक दिन का भी हो सकता है एक महीने का भी हो सकता है एक साल का भी हो सकता है यानी सीरीज ऑफ सेशंस में लाकर डिपेंडिंग ऑन द टारगेट डेट वी हैव टू अचीव और जहाँ तक साउथ पंजाब की बात है मैं समझता हूँ कि कंपनीज को कॉरपोरेट ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए इससे एक फ़ायदा उनको होता है कि उनके इम्प्लॉइज़ अपग्रेड होते हैं एम्प्लॉयज़ अपग्रेड होंगे उनमें मोटिवेशन होगी उनमें ज़्यादा एनर्जी होगी कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी तो आई थिंक दैट इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी कंपनी टू गो फॉर कॉरपोरेट सेशंस बिल्कुल अरसलान साहब मोटिवेशन इज वेरी नेसेसरी टू कीप यू गोइंग अरसलान साहब एंड में आप हमारी यूथ को जो के एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और दे वांट टू किक स्टार्ट अ स्टार्टअप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे ओके okay, तो यू you यंगस्टर्स तो को तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अब जागने का टाइम आ गया कोविड शुक्र अलहमदिल्ला ख़त्म हो गया है लॉकडाउन नहीं लगना अलग करे ना लगे तो एक्चुअली इस डेढ़ साल के दौरान में सब बिस्तर पकड़ के मोजे मारने लग गए थिंग इज़ कि जो लोग किक स्टार्ट करना चाहते हैं अपने वेंचर को उनके लिए एक छोटा सा प्लान है वो प्लान ये है कि आप जब तक स्टूडेंट हैं ना तब तक आप सब कुछ बन सकते हैं जैसे इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री यू आर द बिगेस्ट रिचेस्ट पर्सन अ लाइफ यू आर एवरी थिंग डेट यू कैन ड्रीम अबाउट क्यों क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते हैं आपके ऊपर फाइनेंशियल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती तो इन्जॉय द फ्रीडम ऑफ बींग स्टूडेंट और वहाँ से अपने रुझान को अंडरस्टैंड करें अपने सेल्फ से कनेक्ट करें और सेल्फ से कनेक्ट करते हुए देखिए कि आपका रुझान क्या है सबसे ज़रूरी रुझान नोट करने में एक चीज़ आती है कि यह देखिए कि लोग आपसे किस चीज़ पे मशवरा सबसे ज़्यादा लेते हैं जिस चीज़ पर लोग सबसे ज़्यादा आपसे मशवरा लें उसी से बिज़नेस शुरू कीजिए और वंस यू स्टार्ट फ्रॉम योर बिजनेस सेट अप योर माइंड अपनी गोल सेटिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए गोल हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए और टाइम बाउंडेड होना चाहिए यानी एक शॉर्ट पीरियड के अंदर मैंने ये चीज़ हासिल करनी है आपका गोल बना होना चाहिए और दो बातें याद रखनी है नंबर वन इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू डू इट रिमेंबर डेट यू हैव टू डू इट and number 2 failure is how we do things life mein hazaron of failures aayenge lekin kabhi failure se because failure makes us stronger failure makes us better failure makes us the future millionaire and that is the most important message i have for the youngsters thank you so much arslan sahab for your precious time we are honored to have you here thank you very much Feza. and uh, i am really happy to be here आई I मीन mean, पहले तो ये नाम सोशल बेकरी ये जिसको भी मैंने बताया कि आज मेरा यहाँ पे सेशन रिकॉर्ड होना है तो वर लाइक बेकरी व्हाट नेम नेम इट इज अ वेरी यूनिक इंडी तो नाम के हवाले से लोगों ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया मैं पर्सनली भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ एंड सेकेंडली ये जो आपने एक इनिशिएटिव लिया है सोशल बेकरी ने Ke, uh, interviews, sessions with different entrepreneurs and different uh, jo, uh, personalities, politics, uh, So tamam I found it very intriguing and I am very happy to be here. And uh, I'm thankful to all the team who invited me and to you, Feza. So thank you. Thank you so much, Arslan Sahab. Most welcome. It was indeed a very interesting show. उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा मिलते हैं अपने नए शो में अपने नए गेस्ट के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपनी होस्ट फिजा मरीम को इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़